हाल ही में सेक्टर 34 रोहिणी खेड़ा नहर के पास सुबह सुबह कुछ डकैती हुई है, इसलिए आगे किसी भी तरह की डकैती को पकड़ने और रोकने के लिए क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से ट्रैप लगाए गए हैं। आज पुलिस टीम लुटेरे को लुभाने के लिए अपनी निजी कार से इलाके में गश्त कर रही थी। इन लुटेरों की कार्यप्रणाली ये है कि वे जनता पीड़ितों को लुभाने के लिए सड़क के बीच में सामान डालते हैं और जब निर्दोष पीड़ित उन वस्तुओं की जांच करने की कोशिश करते हैं तो लुटेरे झाड़ियों से बाहर निकल आते हैं और पीड़ितों को चाकू जैसे धारदार हथियार की नोक पर लूट लेते हैं, हेलीकॉप्टर आदि। आज भी लुटेरों ने पीड़ितों को लुभाने के लिए झूठी सीलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोहे की पट्टियों को सड़क पर डाल दिया। ट्रैप टीम जब इन लोहे की पट्टियों के पास पहुंची तो दोनों लुटेरों ने टीम पर हमला कर दिया। लुटेरे चापर और रोड लेकर जा रहे थे। पुलिस स्टाफ ने उन्हें रोकने का निर्देश दिया लेकिन उन्होंने टीम पर हमला कर दिया। दिल्ली उम्र 30 के रूप में हुई, जैसे पीठ में गोली लगी थी। उन्हें MV अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। उनकी हालत स्थिर है। दूसरा आरोपी भागने में सफल रहा। खोज चालू है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।